नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LIO वर्सेस SHA के बीच होने वाले मैच के बारे में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैच के डिटेल्स के बारे में, पिच रिपोर्ट के बारे में, दोनों टीमों की प्रोबेबल 11 किस तरह से रहेगी उसके बारे में। मैं कुछ प्लेयरों के स्टैट्स आपको दिखाऊंगा जिससे कि आप अपनी खुद की एक विनिंग टीम बना सकते हैं, चाहे वो ड्रीम 11 का ऐप हो या फिर कोई दूसरा ऐप हो। आखिर में ऑफकोर्स मैं आपको ड्रीम 11 की 3 विनिंग टीम्स भी दिखाऊंगा जिससे कि आप अपनी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं या फिर ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग भी जीत सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप मेरे चैनल पर नए तो जरूर जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना भी ना भूलें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं मैच के डिटेल से। मैच है लॉयंस 11 वर्सेस शार्क 11 के बीच और ये इस सीरीज का 7वां मैच है। अगर बात कर ले वेन्यू की तो वेन्यू है क्रिकेट एसोसिएशन पौंडीचेरी सिक्किम ग्राउंड पौंडीचेरी का। अगर डेट और टाइमिंग की बात कर लेते तो 8 अगस्त को ये मैच है दोस्तों 9:30 बजे सुबह के। आप अगर ये मैच देखना चाहते हैं तो ज़रूर देख सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग फैन कोड पर। पिच रिपोर्ट की बात कर लेते तो पिच रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे बैटिंग पिच है दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त बैटिंग हो सकती है यहाँ पर और प्लेयर ज़रूर इस मौके को अच्छे मौके को भुनाना चाहेंगे। अब बात कर लेंगे दोनों टीमों के प्रोबेबल 11 तो कुछ इस तरह से हो सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे लायंस 11 की प्रोबेबल 11 की तो वो कुछ ऐसे इस तरह से रह सकती है। IR INR अजीत कुमार, S Anant, B Surendra, S Parmeshwaran, A Kamleshwaran, सतीश जांगीर, K Vignesh, S Morthy, M Mathan और P Murugan। तो इस तरह से रहेगी लॉयंस की प्रोबेबल 11। अब बात कर लेते हैं शार्क्स की प्रोबेबल 11 किस तरह से रहेगी तो वो कुछ इस तरह से रह सकती है। आनंद सुब्रमण्यम, P Palani, समय P, मोहित मिथान, लोगेश P, प्रेम राज, चिरंजीवी जी, शिवमुर्गन M, अक्षय जैन, R Sharma, अभिष TA और आखिर में रहेंगे थिवागर जी। तो इस तरह से रहेगी प्रोबेबल 11 शार्क 11 की। अब बात कर लेंगे कुछ हॉट पिक्स यानी मैं कुछ प्लेयरों के स्टैट्स आपको दिखाने वाला हूँ जिससे कि आपको अपनी खुद की विनिंग टीम बनाने में मदद हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी, चाहे वो ड्रीम 11 का ऐप हो या फिर कोई दूसरा ऐप हो। इसे हम हॉट पिक्स या टॉप पिक्स भी जरूर कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे हॉट पिक्स है जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है श्रीराज अनंत जी। ही हैज स्कोर्ड 70 रन इन 2 गेम्स। जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज में इनको मतलब अब तक इनके 2 ही मैचेस हुए इनके टीम की और दोनों मैचेस में मिलके इन्होंने 70 रन बनाए जो कि काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। काफ़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है और अच्छे खासे बैटिंग कर रहे हैं। उसके बाद हम अगले हॉटपिक्स की बात करें तो कानन विघ्नेश है दोस्तों। द बॉलर हैज स्लैप्ड 4 विकेट्स इन 2 मैचेस। इन्होंने मतलब कुल मिला के यहाँ पे इस टूर्नामेंट के 7वीं मैच है तो हर टीम के करीब करीब 2 ही मैचेस हुए तो इन्होंने भी 2 मैचेस में 4 विकेट निकाल लिए जो कि काफ़ी बढ़िया है दोस्तों और अच्छी खासी बॉलिंग ये कर रहे हैं। अगर अगले जो हॉट पिक्स है उनकी बात कर लेते तो आनंद सुब्रमण्यम है दोस्तों। ओवरऑल ही हैज स्कोर्ड 62 रन इन 2 गेम्स। इन्होंने भी अगर अपने बल्ले से काफ़ी अच्छा कमाल दिखाया, दोनों दोस्त दो ही मैचेस इन्होंने भी खेले और इनके बल्ले से भी 62 यानी 62 रन निकले जो कि काफ़ी बढ़िया है। ओवरऑल इन तीनों ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस किया दोस्तों बैटिंग और बॉलिंग में, तो काफ़ी बढ़िया प्लेयर है तीनों की तीनों। जरूर आप इनको अपने टीम में ले सकते हैं, इनके साथ जा सकते हैं। अगर बात कर लेते तो चिरंजीवी जी की और ये भी हमारे अगले हॉट पिक से। इन 2 मैचेस ही टुक 4 विकेट्स एट एन इकोनॉमी ऑफ 7। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने अपने 2 मैचेस में 4 विकेटें तो ली है दोस्तों, साथ ही साथ 7 की इकोनॉमी से इन्होंने रन दिए यानी पर ओवर 7 रनों का एवरेज ये दे रहे सिर्फ, तो काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। विकेट्स तो 4 लिए ही लिए, साथ ही साथ इनको इकोनॉमी की भी अगर बात करते तो काफ़ी ज़बरदस्त इकोनॉमी, T20 में 7 की इकोनॉमी काफ़ी अच्छी मानी जाती है और
अगली जो हमारे हॉट पिक्स है वो अक्षय जैन है। जी हाँ दोस्तों, ये भी बढ़िया खेल रहे हैं, अच्छे खासे क्रिकेट खेल रहे हैं ये भी, और इनके भी इन्होंने भी गेंदबाजी में काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया है। इनके बल गेंद से भी अब तक 3 विकेटें मिली है इनको, तो ये भी काफ़ी बढ़िया है प्लेयर है और अच्छे खासी गेंदबाजी कर सकते हैं, तो ये भी एक हमारे हॉट पिक्स है। अब चलते हैं ड्रीम इलेवन कैप पे चलेंगे और देख लेंगे ड्रीम इलेवन की 3 विनिंग टीम्स, जिससे कि आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, साथ ही साथ आप ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग भी जीत सकते हैं। तो सबसे पहले हम ड्रीम इलेवन के ऐप पे जाएंगे, हम ड्रीम इलेवन के ऐप पे आ चुके हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी हम जो बात कर रहे हैं वो मैच ये है, LIO वर्सेस SHA के बीच, यानी लॉयंस वर्सेस शार्क लियोन्स के बीच। तो इस पर हमें क्लिक करनी है। आपने अब तक टीम नहीं बनाया तो क्रिएटर टीम पर क्लिक कीजिए, और मैं माय टीम पर क्लिक करूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी 3 टीम्स बना कर रखी है, और मैं एक एक टीम एडिट करके आपको दिखाऊंगा किस किस को लिया है, और आखिर में आपको किसको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है ये भी दिखा दूंगा। तो चलिए दोस्तों माय टीम पर क्लिक कर लेंगे और पहली टीम को एडिट करके आपको दिखा देता हूँ। तो कीपिंग में हम जो आ चुके हैं, कीपिंग में हमारे पास कुल मिला के 3 ऑप्शन है दोस्तों। तो उसमें से हमने सुब्रमण्यम को चूज किया है क्योंकि सबसे बढ़िया बल्लेबाजी और कीपिंग इन्होंने ही की है। अब चलते हैं बैटिंग पर। तो बैटिंग में इस बार मैंने 5 प्लेयरों को लिया है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा है लेकिन 5 प्लेयरों को हमें लेना ही होगा। एम मिथान को लिया है, एस अनंत को लिया है जिसका हमने स्टैट्स में देखा काफ़ी बढ़िया है, दोनों की दोनों बढ़िया क्रिकेट खेल रहे हैं। उसके बाद हमने पी लॉन्गेश को भी लिया है दोस्तों, ये भी बढ़िया खेल रहे क्रिकेट। ए कमलेश्वरन को लिया है और प्रेम राज को लिया है। ये पांचों बल्लेबाज काफ़ी अच्छे फॉर्म में और अच्छी अब तक इन्होंने बैटिंग की है, तो ज़रूर आप इन पांचों के साथ जा सकते हैं। पहली टीम में मैं इनके साथ ज़रूर जाऊंगा। चलते हैं ऑलराउंडर पर। तो यहाँ पे मेरे पास 2 ऑलराउंडर है दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने बताया जी चिरंजीवी ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, इनको मैंने इस टीम में शामिल किया। ज़रूर दिखा दूंगा कि करीब करीब 96-96% लोगों ने इनको लिया है। अगर अगले बात कर ले तो के विघ्नेश को मैंने लिया है, ये भी काफ़ी बढ़िया प्लेयर है और अच्छी खासी बैटिंग और बॉलिंग कर सकते हैं और अच्छे खासे ऑलराउंडर है, ये भी काफ़ी बढ़िया प्लेयर है दोस्तों। आप इनके साथ भी ज़रूर जा सकते हैं, इनको भी करीब करीब 88% लोगों ने शामिल किया है। अगर गेंदबाजी की बात कर ले तो हम ए जैन, जी हाँ दोस्तों, हमने जैसे देखा था ए जैन का भी काफ़ी बढ़िया स्टैट्स था और करीब 93% लोगों ने इनको शामिल किया अपने टीमों में। एक जहांगीर को भी इस टीम में मैंने शामिल किया और इनको भी करीब करीब 95% लोगों ने शामिल किया, तो हम इनके साथ ज़रूर जाएंगे। उसके बाद अगर तीसरे गेंदबाज है तो TA अभी से, जी हाँ दोस्तों, ये भी काफ़ी बढ़िया गेंदबाज है और अच्छे खासे विकेटें निकाल सकते हैं, और इनका प्रदर्शन भी अच्छा रहा है अब तक, और इनको थोड़े कम लोगों ने लिया है, 63% लोगों ने इनको चूज़ किया है। तो अगर ये अच्छा करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये भी अच्छे खासे गेंदबाजी और अच्छे खासे विकेट ये निकालते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब ये टीम हमारी पहली बन चुके है, कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे और देख लेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे बना सकते हैं। तो इस टीम का कैप्टन मैंने बनाया है दोस्तों, ऑफकोर्स ऑलराउंडर में ही जाऊंगा मैं, जी चिरंजीवी को मैंने कैप्टन बनाया दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी बढ़िया खेल रहे हैं और अच्छे खासे फॉर्म में, और जैसे कि आप देख पा रहे 54.93, जी हाँ दोस्तों, 54.93% लोगों ने इनको कैप्टन बनाया। तो एक टीम में हम ज़रूर इनको कैप्टन बनाएंगे क्योंकि हम लोगों के साथ जाएंगे एक टीम में, बाकी टीमों में हम ज़रूर थोड़ा हटके करेंगे, लेकिन ये अगर अच्छा खेलते हैं तो हमें नुकसान ना हो, इसलिए एक टीम में हम ज़रूर इनको कैप्टन बनाएंगे, क्योंकि हम मल्टीपल टीम लगाएंगे ग्रैंड लीग में, तो हम अलग अलग कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हैं, तो एक टीम में ज़रूर हम इनके साथ ही जाएंगे। अगर वाइस कैप्टन की बात कर ले तो यहाँ पे थोड़ा देख सकते, मैंने अनंत जी को इस टीम का वाइस कैप्टन बनाया, 5% से थोड़े ज़्यादा लोगों ने इनको वाइस कैप्टन बनाया, तो ये थोड़ा अच्छा है दोस्तों। अगर ये अच्छे स्कोर करते हैं तो आपको ज़रूर ज़्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि काफ़ी कम लोगों ने इन पर दाव लगाया। कैप्टन में भी आपको दिखा देता हूँ, 4% से ज़्यादा ही लोगों ने इन पर कैप्टनसी का दाव लगाया, तो ये ज़रूर आपको फायदा हो सकता है अगर ये अच्छा खेल जाते तो। अब टीम प्रीव्यू करा देता हूँ एक बार, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सबसे पहले हम कीपिंग की बात कर लेंगे। ए सुब्रमण्यम को हमने इस टीम में लिया है दोस्तों, अब तक कीपिंग में सबसे ज़्यादा पॉइंट इन्होंने ही नहीं, इसीलिए मैंने इनको चूज़ किया है। ये टीम हमारी ग्रैंड लीग के लिए दोस्तों, पहले ही बता देता हूँ, ग्रैंड लीग के लिए यूज़ कीजिएगा, स्मॉल लीग के लिए यूज़ करके इसे वेस्ट मत कीजिएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसे ग्रैंड लीग के लिए यूज़ करेंगे तो स्मॉल लीग के लिए नहीं यूज़ कर पाएंगे। अगले बात कर लेते हैं बल्लेबाजों की, तो बल्लेबाज मैंने 4 लिए, एक कमलेश्वरन को लिया है, एम मिथान को लिया है, पी लोगेश को लिया है और
प्रेमराज को लिया है और एस अनंत को लिया है। चारों के पांचों काफी बढ़िया बल्लेबाज है दोस्तों और काफी जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं और अच्छे खासे फॉर्म में, तो जरूर इनके साथ जा सकते हैं। वही अगर बात कर लेते हैं ऑलराउंडर की, तो दो ऑलराउंडर के साथ में जाना चाहूंगा, वो है के विघ्नेश और दूसरे है चिरंजीवी को हमने इस टीम में जरूर शामिल किया है दोस्तों। अगर गेंदबाजी की बात करें तो ए जैन हमने इनके स्टार्ट देखे तो काफ़ी बढ़िया थे, उसके बाद ए जहांगीर बी को लिया है, टी ए अबीस को लिया है, तो काफ़ी बढ़िया है टीम बन चुकी है दोस्तों। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आप ग्रैंड लीग के लिए यूज़ कीजिएगा, स्मॉल लीग के लिए वेस्ट की बात कीजिएगा। तो दोस्तों जैसे कि देख पा रहे हैं कैप्टन मैंने बनाया है जी चिरंजीवी, ये एक ऑलराउंडर है दोस्तों, ऑलराउंडर होने की वजह से हम इनको कैप्टन बनाएंगे क्योंकि ये हमें डबल पॉइंट देंगे, बैटिंग और बॉलिंग दोनों में अच्छे खासे पॉइंट दे सकते हैं, इसीलिए मैंने इनको कैप्टन बनाया। अगर वाइस कैप्टन की बात कर लेते तो अनंत को मैंने वाइस कैप्टन बनाया दोस्तों, क्योंकि ये भी काफ़ी बढ़िया फॉर्म में और अच्छी खासी बैटिंग कर रहे हैं, तो ज़रूर आप इन पर भी भरोसा कर सकते हैं, इन पर भी दाव लगा सकते हैं। काफ़ी बढ़िया टीम बन चुकी है दोस्तों, ऑफकोर्स वापस एक बार कहूँगा ये ग्रैंड लीग के लिए टीम बनाई है दोस्तों, स्मॉल लीग के लिए लेके इसे वेस्ट मत कीजिएगा। तो काफ़ी बढ़िया टीम है दोस्तों, इसको क्लोज कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं इस टीम को, और दूसरी टीम को एडिट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस टीम को तो दूसरी टीम को एडिट करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने इस बार फिर से थोड़ा चेंज शुरुआत में किया है, ए सुब्रमण्यम को इस टीम में नहीं लिया है, आर अयन आर को इस टीम में शामिल किया है, ये भी काफ़ी बढ़िया प्लेयर है दोस्तों। और जैसे कि आप देख पा रहे 67% से भी ज़्यादा लोगों ने इनको भी शामिल किया है इस टीम में, तो काफ़ी बढ़िया प्लेयर है दोस्तों ये भी, और अच्छी खासी बैटिंग भी कर सकते हैं और कीपिंग भी अच्छी खासी करते हैं। चलते हैं बल्लेबाजों पर, तो इस बार मैंने बल्लेबाजी में चार ही प्लेयर को लिया है दोस्तों, ए मिथान को लिया है, उसके बाद अनंत को वापस लिया है, और इस बार मैंने यहाँ पर थिन्नावन को इस टीम में शामिल किया, पिछली टीम में हमने इनको शामिल नहीं किया था, और इस बार फिर से प्रेमराज को शामिल किया दोस्तों। काफ़ी बढ़िया चारों के चारों बल्लेबाज है दोस्तों, जरूर आपको फायदा होगा इन चारों की तरफ से ज़्यादा आपको पॉइंट ये दे सकते हैं। चलते हैं ऑलराउंडर पर, तो इस बार हमने तीन ऑलराउंडर को इस टीम में शामिल किया है, क्योंकि हमने पिछली बार पाँच प्लेयर के साथ माफ कीजिएगा पाँच बैट्समैन को लिया था, तो दो ही ऑलराउंडर ले पाते थे, लेकिन इस बार चार बैट्समैन के साथ जाएंगे और तीन ऑलराउंडर के साथ जाएंगे। तो जी चिरंजीवी को तो लिया है, के विघ्नेश को भी लिया है, लेकिन यहाँ पे हमने यहाँ पे लिया है तीसरे जो ऑलराउंडर है वो एस परमेश्वरन को हमने इस टीम में शामिल किया। काफ़ी बढ़िया प्लेयर है दोस्तों और ये भी अच्छी खासी बैटिंग और बॉलिंग ज़रूर कर सकते हैं, जो आप ज़रूर इनको अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई रिस्क नहीं है दोस्तों। और देख सकते हैं करीब करीब 33% लोगों ने इनको शामिल किया अपने टीम में, तो कोई रिस्क नहीं है दोस्तों, ज़रूर आप इनके साथ जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब गेंदबाजी की बात कर लेते तो हम ए जैन को इस टीम में शामिल किया है, ए जहांगीर बी को लिया है, और इस बार हमने वी कोल्हार को इस टीम में शामिल किया है। तो कुल मिला के ये भी काफ़ी बढ़िया प्लेयर है दोस्तों और अच्छी खासी गेंदबाजी कर रहे हैं इस टीम टूर्नामेंट में, अब तक अच्छे खासे पॉइंट 65 पॉइंट दे चुके हैं, और ज़रूर आपको इस टीम ये अच्छा खासा फ़ायदा दे सकते हैं, इसलिए मैंने इनको इस टीम में शामिल किया है। ज़रूर आप इसी तरह से इस टीम को बनाइए। कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे, देख लेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे बना सकते हैं। तो इस टीम का कैप्टन मैंने बनाया है के विघ्नेश, जी हाँ दोस्तों, के विघ्नेश को मैंने इस टीम का कैप्टन बनाया। काफ़ी कम लोगों ने इन पर दाव लगाया, 11% ही लोगों ने इन पर दाव लगाया। वाइस कैप्टन के लिए इन पर ज़्यादा दाव लगाया दोस्तों, 37 यानी 37% से भी ज़्यादा लोगों ने इनको वाइस कैप्टन बनाया, तो मैं ज़रूर इनके साथ कैप्टन के लिए जाऊँगा, क्योंकि अगर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फायदा आपको हो सकता है। तो लोगों ने इनको वाइस कैप्टन बनाया, आप कैप्टन बनाते तो आप सिर्फ 11% लोगों में रहेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होने वाला है, तो ज़रूर आप इस तरह से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत वाइस कैप्टन की बात कर लेते तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने फिर से यहाँ पे थोड़ा रिस्क ही जरूर लगाया, लेकिन रिस्क है क्योंकि 1.54% लोगों ने आईएनआर को वाइस कैप्टन बनाया दोस्तों, आप भी ज़रूर बनाइए, क्योंकि अगर ये अच्छा परफॉर्मेंस कर देते तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होने वाला है। एक बार फिर से टिप रिव्यू जरूर करा दूंगा दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कीपिंग में हमने चेंज किया है, आर अयन आर को शामिल किया है, पिछली टीम में इनको शामिल नहीं किया था। वही अगर बैटिंग की बात कर ले तो मैंने चार ही बल्लेबाजों को लिया है, पिछली टीम में पांच बल्लेबाजों के साथ जाने वाला हूँ। इस टीम में चार ही बल्लेबाज लिए, उसमें से एम मिथान को, प्रेमराज को और एस अनंत को इस टीम में शामिल किया, और चौथे है थेनोवान को इस टीम में हमने शामिल किया है। काफ़ी बढ़िया बल्लेबाज है दोस्तों, ज़रूर आपको अच्छे खासे पॉइंट दे सकते हैं, इसलिए इनको इस टीम में शामिल किया। वही अगर बात कर लेते हैं ऑलराउंडर्स की, तो चार बल्लेबाजों को लिया है और पिछली टीम में पांच को लिया था, तो दो ही ऑलराउंडर ले पाते, लेकिन इस टीम में चार बल्लेबाज लिए तो एक ऑलराउंडर हमने बढ़ा लिया है।
अगर बात कर लेते किस किस को लिया है, तो प्रेमस परमेश्वरन को लिया है, जी चिरंजीवी को लिया है और के विघ्नेश को लिया है। तो काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, तीनों की तीनों ऑलराउंडर बढ़िया खेल रहे हैं और अच्छी खासी बैटिंग और बॉलिंग कर सकते हैं। तो अगर तीन गेंदबाजों की बात करें तो ए जैन, ए जहांगीर भी और वी कोल कुखार को इस टीम में शामिल किया है। तो काफ़ी बढ़िया टीम बन चुकी है दोस्तों, जरूर आप इसे भी ग्रैंड लीग के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप स्मॉल लीग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि ग्रैंड लीग के लिए ज़्यादा बेटर है ये भी टीम, क्योंकि अगर आप जब तक ग्रैंड लीग में मल्टीपल्स टीम नहीं लगाएंगे तो आपको जीतने के चांसेस काफ़ी कम रहेंगे, लेकिन अगर आप मल्टीपल टीम्स लगाते तो आपके जीतने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इसी वजह से मैं चाहूँगा कि आप ये टीम भी ग्रैंड लीग के लिए यूज़ करें। तो एक बार फिर से बताता हूँ, मैंने के विघ्नेश को कैप्टन बनाया दोस्तों, ऑलराउंडर होने की वजह से हमें डबल पॉइंट देने वाले बैटिंग और बॉलिंग दोनों में ये पॉइंट दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट हमें दे सकते हैं, इसलिए इनको कैप्टन बनाया दोस्तों। वही अगर वाइस कैप्टन की बात कर लेते तो मैंने वाइस कैप्टन INR को बनाया दोस्तों, ये थोड़ा रिस्की ज़रूर है लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी बढ़िया रहेंगे वाइस कैप्टन के तौर पर, क्योंकि ये कीपर है दोस्तों, कीपर के साथ साथ हमें कीपिंग में भी, बैटिंग के साथ साथ कीपिंग में भी पॉइंट देंगे, बैटिंग तो अच्छी कर ही रहे दोस्तों, साथ ही साथ कैचिंग स्टंपिंग या फिर रनआउट में भी इनका हिस्सा रहता है, तो ये बोनस पॉइंट हमें देंगे, इसी वजह से मैंने इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया। तो ज़रूर आप इनके साथ भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो कुल मिला के ये भी टीम काफ़ी बढ़िया बन चुकी है दोस्तों, मैं चाहूँगा आप ये भी टीम ग्रैंड लीग के लिए लगाएं और मल्टीपल टीम लगाएं, वही अगर आप चाहे तो स्मॉल लीग के लिए भी ज़रूर लगा सकते हैं, लेकिन इस टीम को अभी सेव कर लेते और तीसरी और आखिरी टीम को एडिट करके आपको दिखा देता हूँ। तो अभी तीसरी टीम को एडिट करके दिखा देता हूँ दोस्तों। तो कीपिंग में हमने इस बार फिर से सुब्रमण्यम को शामिल कर लिया है। चलते बल्लेबाजी में मैंने पहली टीम में 5 बल्लेबाज लिए थे, दूसरी टीम में 3 बल्लेबाज 4 बल्लेबाजों को लिया है और इस टीम में मैंने 3 ही बल्लेबाजों को रखा है। तो ज़रूर आप इस तरह से भी कर सकते हैं, देख लेते किस किस को इस टीम में शामिल किया है। तो बैटिंग में हमने एस अनंत को लिया है, लेकिन इस बार हमने बी सुरेंद्र को लिया है, ये भी अच्छे खासे बैट्समैन है दोस्तों, हालांकि इनका प्रदर्शन थोड़ा कम है लेकिन मुझे लगता है कि अगले मैच में ज़रूर अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, इसलिए मैंने इनको इस टीम में शामिल किया। और तीसरे जो है एन मानिक को हमने इस टीम में शामिल किया है, ये भी बढ़िया प्लेयर है दोस्तों और अच्छी खासी बैटिंग कर सकते हैं। तो तीनों की तीनों बल्लेबाज काफ़ी अच्छे हैं दोस्तों, ज़रूर आप इन पर भी भरोसा कर सकते हैं, इन पर भी दाव लगा सकते हैं, तो काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। अब चलते ऑलराउंडर पर, तो यहाँ पर और भी सरप्राइजिंग है, मैंने यहाँ पर भी 2 ही ऑलराउंडर को इस टीम में शामिल किया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 5 गेंदबाज मैं इस टीम में लेने वाला हूँ, लेकिन अभी फिलहाल ऑलराउंडर की बात करें तो चिरंजीवी को लिया है और के विघ्नेश दोनों को इस टीम में शामिल किया है, इन दोनों को इस टीम में रखा है मैंने, बाकी किसी ऑलराउंडर को इस टीम में अब तक मैंने शामिल नहीं किया। तो अब चलते हैं गेंदबाजी पर, तो यहाँ पे सबसे सरप्राइजिंग है मैंने 5 गेंदबाज जो लिए हैं, ए जहांगीर को लिया है, ए जैन को लिया है, आर शर्मा को इस टीम में शामिल किया, पिछले दोनों टीमों में इनको मैंने शामिल नहीं किया था, करीब करीब देख सकते आप 25% लोगों ने इनको शामिल किया, तो आप भी इनके साथ जा सकते हैं। वही अगर अगले गेंदबाज जो है एस संतमूर्ति को इस टीम में शामिल किया है, ये भी देख सकते हैं आपने, करीब करीब 38% लोगों ने इनको भी लिया है, तो कोई रिस्क नहीं दोस्तों। और अगले जो है अबीश को भी इस टीम में शामिल किया है, इनको भी 63% यानी 63% से ज़्यादा लोगों ने शामिल किया। तो इस तरह से मैंने इस टीम में सभी की सभी अच्छी गेंदबाजों को पिक कर लिया है दोस्तों, किसी को भी विकेट मिले आपके खाते में पॉइंट जरूर जुड़ने वाले, तो काफ़ी बढ़िया टीम है दोस्तों, मुझे लगता है कि ये भी टीम काफ़ी अच्छी है, आप चाहे तो इसे ग्रैंड लीग के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर स्मॉल लीग के लिए यूज़ कर सकते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे, कैप्टन और वाइस कैप्टन दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने एस जहांगीर बी को कैप्टन बनाया और ए जैन को वाइस कैप्टन बनाया, तो काफ़ी बढ़िया गेंदबाज है दोनों के, दोनों ने अब तक अच्छा परफॉर्मेंस किया है और काफ़ी अच्छी विकेट इनको मिल रही है, तो ज़रूर आप इनके साथ भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तो ज़रूर ये टीम काफ़ी बढ़िया बन गई है, तो एक बार टीम प्रयोग जरूर करा दूंगा दोस्तों। कीपिंग की बात करें तो ए सुब्रमण्यम को वापस मैंने इस टीम में शामिल किया, लेकिन इस टीम में मैंने 3 ही बल्लेबाजों को लिया है, एस अनंत, एन मानिक और बी सुरेंद्र, तीन बल्लेबाजों के बाद मेरे पास 2 ही ऑलराउंडर है, के विघ्नेश, जी चिरंजीवी और मेरे पास यहाँ पे सरप्राइजिंग ये है कि मैंने इस टीम में 5 गेंदबाज लिए, एस संतमूर्ति को लिया है, एस जहांगीर को लिया है, टी ए अबीश को लिया है, ए जैन को लिया है और आर शर्मा को, तो काफ़ी बढ़िया गेंदबाज है दोस्तों, 5 के 5 अच्छे खासे पॉइंट दे रहे हैं, विकटें भी इनको अच्छे खासे मिल रहे हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है अगर ये टीम भी अगर आप ग्रैंड लीग के लिए यूज करें तो।
वही कैप्टन की बात कर ले तो ये यहाँ पे जहांगीर को मैंने कैप्टन बनाया दोस्तों, ये भी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं और विकटे भी इनको मिल रहे हैं और अच्छे खासे पॉइंट दे चुके हैं। वही वाइस कैप्टन की बात करें तो ए जैन को बनाया दोस्तों, ये भी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं और अच्छी खासे 100 से ज़्यादा पॉइंट अब तक 2 ही मैचेस में दे चुके हैं। हमने स्टैट्स में भी देखा इनको 3 विकटें मिल चुकी है अब तक 2 गेम मैचेस में, तो ज़रूर आप इन दोनों के साथ जा सकते हैं या फिर इस टीम को अभी क्लोज कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं। और आखिर में यही कहूँगा, अगर तीनों टीमों में आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप कैप्टन और वाइस कैप्टन भी चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चेंजेस मत कीजिए दोस्तों, काफ़ी रिस्की साबित हो सकता है क्योंकि मैंने काफ़ी सोच समझ कर ये तीनों टीमें बनाई दोस्तों। जैसे कि आपको बता दूँ, पहले टीम में मैंने 5 बल्लेबाज लिए, यहाँ पे 5 बल्लेबाज हो जाते हैं हमारे पास। अगर तो दूसरी टीम की बात कर ले तो 3 ऑलराउंडर और 4 बल्लेबाज लिए दोस्तों, ये भी काफ़ी बढ़िया बन जाएंगे। उसके बाद मैंने तीसरी टीम में 5 गेंदबाज लिए दोस्तों, ये भी बढ़िया बन जाएंगे। और मतलब अगर आपको बल्लेबाज अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो पहली टीम में पॉइंट मिल जाएंगे, ऑलराउंडर अगर अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो दूसरी टीम में आपको पॉइंट मिल जाएंगे, और अगर गेंदबाज अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो तीसरी टीम में आपको पॉइंट मिल जाएंगे। तो कुल मिला के आपको तीनों टीमें, अगर आपने मल्टीपल्स टीम, अगर ये तीनों टीमें आपने ग्रैंड लीग के लिए लगाई तो आपको पॉइंट जरूर मिलने वाले, एक किसी ना किसी टीम में ज़रूर आपको फ़ायदा होने वाला है। तो तीनों की तीनों बेस्ट टीम है दोस्तों, ज़रूर आप इनको ग्रैंड लीग के लिए यूज कीजिए। आई होप दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया, अगर पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ अगर मेरा चैनल आप तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज़ में आप तक पहुंचा सकूं, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, और ऑल पर भी ज़रूर क्लिक कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।